गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला भाग सरवण करन की कोशिश करिए जी। 34वां है भाई बन्नो की बीड़। कहते हैं कि मांगटा दे भाई बन्नो नू पवित्र आदि बीड़ जिल्द बनावण लई दित्ती ते कहा कि इको रात लाहौर रहना, जल्दी जिल्द बना के आ जाना। भाई ने रस्ते विच कई लिखारी ला के उतारा करवा लिया। लाहौरों एक रात जिल्द बनवा के मुड़ आया। इस प्रेमी ने अपना उतारा कीती बीड़ विच होर बाणी चाड़ ली जो गुरु जी ने नहीं चाड़ी सी। दूजी ये गल कहंदे हन कि भाई बन्नो गुरु जी तो आग्या लै के पावन आदि बीड़ दे संगतां नू दर्शन करावण लई मांगट लै गया सी। हुकम उत्थे एक रात ठहरने दा सी, सो पूरा कीता, पर जांदे आउंदे रस्ते विच उतारा कर करा लिया। गल एवें होई होवे या होर तरह, सतगुरु जी ने इस बीड़ नू खारी बीड़ आख्या। बहुते लिखती उतारे इसे बीड़ दे ही मिलते हैं, क्योंकि गुरु हरगोबिंद जी दे समय असली आद बीड़ करतारपुर धीर मलियां पास चली गई ते ओ उतारा नहीं सन करन देंदे, पर भाई बन्नो के उतारे खुले करन देंदे सी। दसवें पातशाह ने दमदमे बैठ के 9 महीने 9 दिनां विच करतारपुर वाली बीड़ दा ही पाठ लीता, विच 9वें पातशाह दी बाणी चाड़ी। 100 पुरख ते उस दे नाल 3 शब्द होर रहरास विच पाए ते लिखिया है कि किसे किसे थां थोड़ा फर्क पाड़दा भी कीता। एहो उना दी मुकम्मल कीती बीड़ अंतम रूप है। इस दे 4 उतारे बाबा दीप सिंह जी ने कीते ते तख्त साहिबां ते कले तां कि अगों इसे बीड़ दा सिखी विच प्रचार होवे। एहो फेर लिखे गए ते अज तक छपदे आए। इसे बीड़ नू दसम पातशाह ने गद्दी दिती ते गुरु थापिया। ये गुरु ग्रंथ साहिब हुण सिख पंथ दा गुरु है, इष्ट है। 35वां है परम पावन परोपकारी परम पवित्र बीड़ साहिब दी स्थापना। इस जगत तारक पावन बीड़ दी तैयारी ते कितना वक्त लगा, लिखिया वेरवा नहीं मिलता, पर इस पवित्र कार्य की समाप्ति भादरों वदी एकम समत 1661 बिक्रमी नू होई, ये निश्चित है। वक्त लगा ते चोखा लगा सही हुंदा है। जदों ये कारज सिरे चढ़ गया, बड़ियां खुशियां ते मंगल होए। नगरी दे लोग ते बाहरों आईयां संगतां नू श्री बाबा बुढ़ा जी ने दस दिता कि महान कारज हो गया है ते कल रामसर उत्सव है। संगतां सुन के सब आण जुड़ियां। जो आउंदा है फुलां दे सेरे ते कुछ ना कुछ प्रसाद वजों लियांदा है। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, उन श्री गुर बैठ दीवान लगायो, गन सिखे पिखें मन प्रेम पग्यो, सब बीच सुहावत ग्रंथ तरियो, कर सेवक सुंदर चोर फिरियो, लग ढेर प्रसाद गयो सो तहां, बोलियावत सिख आनंद महां, शुभ फूलन माल विशाल करे, बौरंगन के बिच गुंफ तरे, गर श्री गुर के सिख पावत हैं, बो पांतन फूल चढ़ावत हैं, शुभ माल सो फूल विशाल लए, गुरु ग्रंथ समीप चढ़ाए दए, बहुतूप सो आग तो खावत हैं, कासचंदन केसर पावत हैं, चरचें अरचें सिख प्रीत तरें, गन संख बजावत फूक परें, अरदास प्रसादन ब्रिंद करें, जयकार सबै एक बार न रहें, करतार रबाब सतार बजें, सब दान सुगाए सो राग सजें। कवि जी लिखते हैं कि श्री गुरु जी ने राम सर साहिब बैठिया एक दिन भरे दीवान विच ए वाक उचारे, ग्रंथ जहाज सो पौजल को, तरजात सुखैन जिनी चितलायो, श्री गुरु केर शरीर जू, सब थान समय सबना दरसै हैं, ग्रंथ रिदा गुर को ए जानो, उत्तम हैं सबकाल रहे हैं, मेरे स्वरूप ते याते हैं धीरग, साहिब जान अदायब कह हैं, पूजो चंदन केसर को कस, धूप तो खाए कै फूल चढ़े हैं,
ਜੋ ਲਿਖ ਲੇਹ ਭਲੇ ਤਬ ਸੋਧੈ ਅੱਖਰ ਸੋ ਲੱਕੀ ਚੁਕਸਾਈ ਪਾਠ ਸਮਸਤ ਕਰੈ ਬੁੱਧ ਸੋ ਭਿਖ ਪੂਰਬ ਕੇ ਸਮਲੇਹੋ ਬਨਾਈ ਆਪ ਤੇ ਘਾਟ ਨਾ ਬਾਦ ਕਰੈ ਜੇ ਕਰੈ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਸੋ ਪਛਤਾਈ ਔਰ ਬਨਾਏ ਨਵੇਂ ਨਾ ਲਿਖੈ ਵਿਚ ਕਾਬੇ ਰਚੈ ਸੁਰਚੈ ਪ੍ਰਿਥਕਾਈ ਚੌਦੈ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਏ ਬਲੀ ਬਲ ਕੋ ਜਰ ਜਾਏ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਜੋਈ ਸੋ ਉਪਕਾਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੋ ਸਿਰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁਖ ਧੀਰ ਧਰੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਵੈ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਏ ਇਸੋ ਨੇ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਪੂਜੈ ਜੋ ਇਛਧਾਰ ਸੋ ਪੂਜੈ ਸ਼੍ਰੇ ਲਹੈ ਜੰਪੀਰ ਨਾ ਹੋਈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਮਹਾਨ ਮਹਾਤਮ ਜਾਏ ਬਖਾਨ ਕਰੈ ਸਮੁਦਾਇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਸਾਰਦ ਨੇਤ ਹੀ ਨੇਤ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬਤਾਏ ਜੋ ਸਰਬੋਤਮ ਜੋ ਸਰਬਾਸ਼੍ਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇ ਨਾਮ ਇਸੀ ਮੈਂ ਗਾਏ ਨਾਮ ਸੋ ਨਾਮੀ ਕੋ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਏ ਮੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੁਹਾਏ ਜੇ ਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਦਾਇਬ ਰਾਖੈ ਤੇ ਤਕ ਕੀ ਫਲ ਪਾਵੇਂਗੇ ਧੂਪ ਤੋ ਖਾਏ ਕਸਾਏ ਕੇ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋ ਅਰਚਾਵੇ ਗੋ ਭਾਵਨੀ ਧਾਰ ਕੇ ਚਾਏ ਉਮਾਹਤ ਦਿਓਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸਾਵੇ ਗੋ ਪਾਠ ਕਰੇ ਕੇ ਸੁਨੇ ਮਨ ਏਕ ਵੈ ਯੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਸਾਵੇ ਗੋ ਦੇਖਤੀ ਕਰ ਜੋਰ ਦੂ ਮਨ ਨਮਰ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ ਗੋ ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਲਿਖ ਆਪ ਇਸੇ ਕੇ ਲਿਖਾਵੇ ਗੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਅਸਥਾਪੈ ਪਾਠ ਸੁਨੇ ਅਰਖਾਵੇ ਗੋ ਸੋ ਜਗ ਬੰਧਨ ਛੇਦਨ ਕੈ ਨਰ ਅੰਤ ਗਤੀ ਸ਼ੁਭ ਪਾਵੇ ਗੋ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਛਤ ਪਾਠ ਕਰੇ ਕੇ ਕਰਾਵੇ ਗੋ ਭੋਗ ਕਰੇ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਆਵਲ ਆਪ ਖਰੋ ਹੋਏ ਜਾਵੇ ਗੋ ਹਾਥ ਕੋ ਜੋਰ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਮਨ ਲਿਆਵੇ ਗੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਚਿਤ ਚਾਏ ਸੇ ਨਰ ਪਾਵੇ ਗੋ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਤਜੈ ਤਿਸ ਪੀਛੈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ ਗੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਅਰਪੈ ਤਬ ਪਾਠਕ ਭੋਜਨ ਚਾਰ ਖੁਲਾਵੇ ਗੋ ਔਰ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈ ਸੇਵੈ ਲਿਆਏ ਕਰੈ ਬਰਤਾਵੇ ਗੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖੈਨ ਮਹਾ ਪਰਲੋਕ ਬਿਖੈ ਅਰਖਾਵੇ ਗੋ ਔਰ ਕਹਾਂ ਲਗਜੇ ਜਗ ਗਾਰਜ ਪਾਠ ਕਰੈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਂਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਨ ਚਹੈ ਨਹੀਓ ਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਜੋਵੇਂਗੇ ਦਿਓਸ ਨਿਸਾਸ ਸਿਮਰੈ ਸਤਨਾਮ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਠੈ ਅਗ ਖੋਵੇਂਗੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਕੋ ਨਾ ਪਿਖੈ ਮਿਲ ਆਏ ਹਮੇ ਸੋ ਅਲੋਵੇਂਗੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਤੁਰੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੋਇਤ ਸ੍ਰੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰਮ ਯੋਗ ਹਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੀ ਰਾਮਸਰ ਗਏ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬੇਰ ਹੇਠ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਐਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਨਿੰਦਰਾ ਪਾਈ ਜਾਗੇ ਜਾਮਨ ਜਾਮ ਰਹਾਈ ਬੁੱਢਾ ਪੁੰਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸੋ ਜਾਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਪਾਗੇ ਸੋਚ ਰਾਮ ਸਰਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਬਦਰੀ ਤਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਧਿਆਨਾ ਦੁਆ ਕਟਕਾ ਲਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਚ ਕਹਿ ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗੇ ਚਲੋ ਸੁਧਾਸਰ ਪੰਥ ਮਾਨ ਬਾਕ ਲੈ ਭਇਓ ਅਗਾਰੇ ਚਮਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਰ ਤਾਰੇ ਸੰਖ ਅਨਿਕ ਲਗ ਦੁਦਮ ਬਾਜੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਊਚ ਸੁਰਗਾਜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭ ਬਿਲੰਦ ਹਰ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੈ ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤ ਸੁਰ ਊਚੇ ਮੰਜੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤੈ ਥਾਪ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਤਬ ਆਪ ਵਾਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੁਨ ਮਨ ਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲੇਵੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੋ ਸਭ ਪੰਥ ਸੁਨ ਗੁਰਬਚਨ ਰੁਚਿਰ ਮਨ ਲਾਇਕ ਸਤ ਬਾਕ ਮੁਖ ਜਲਜ ਅਲਾਇਕ ਅਦਬ ਸੰਗ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਖੋਲਾ ਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ
सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, पूरन पुरख अच्युत अबनासी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया। चौपाई सुन सब हूँ तब शीस निवायो, दीन बंद प्रपतिन लख पायो, सिर गुर करते चमर फिरंता, बुढ़ा जब जी पाठ करंता। संगत तन तन सुन कह, अदक आनंद प्रेम ते लह, जब जी भोग पाए जयकारा, शीस निवावत सबन उचारा। अत आनंद श्री अर्जुन नाथ, भये किरतारथ मान सनाथ, अदक प्रेम ते गदगद होए, गुन गुन श्री परमेश्वर जोए। जद रात पई तद श्री बुढ़ा जी ने पूछया कि रात नू इस परम पवित्र शब्द ब्रह्म प्रभु स्वरूप पावन बीड़ दा निवास किवें ते किथे करना है। तां श्री गुरु जी ने आग्या कीती, सिर गुर कयो प्रभ दरबारा, ग्रंथ परमेश्वर को अवतारा, डेढ़ जाम जामन जब जाए, पठें सोहेला कीर्तन गाए, बारों ले जावो असवारा, जिसी कोठरी रहन अमारा, तहां निवास करो जुतमान, जाम डेढ़ जामन रह आन, श्री हर मंदिर तबै स्नानो, फर्श अनेक भांत के ठानो, दीपक सदा कृत के बारो, जाम निशा जब रही निहारो, राग आसा वार सो गावे, अनक राग के शब्द सुनावे, द्वै कटका जामन रह जबे, आनो श्री ग्रंथ साहब तबे, वार भोगते खोल पडीजे, इसी प्रकार कार नित कीजे। इनके श्री गुर बैठ रहाए, चौकी सुनी कानड़ा गाए, बहुर सुहेला पाठ कर पास, उठ तब सब कीनस अरदास, बुढ़े ग्रंथ लीन सिर तारी, चवर करे गुरवारंगवारी, संखन की तुनकीन बिमाला, बादत अपर बजै तिस्काला, रहे कोठरी मह गुर सदा, गम ने सदन अपने कदा, तै स्थान लेकर जब गए, सुन पर्यंग तब डासत पए, सेज बंद गुम्फै बड़ जरी, सुंदर फूलन माला तरी, तहां निवास ग्रंथ को कीनो, श्री गुर पूतल निकट असीनो, कब कब सदन आपने जाहें, नाहें ता रहे ग्रंथ के पाएं। छत्तीवां है भाई कटारू। भाई गुरदास जी ने अपनी 11वीं वार विच गुरु के 94 ते प्रसिद्ध सिखां दे नाम दिते हन। इन्हां सिखां दीआं साखियां दी पोथी है सिखां दी भगत माला। ये पोथी लिखती मिलती है ते इस विच लिखिया हुंदा है कि ये रचना शहीद भाई मनी सिंह जी दी है। इस विच 5वीं पातशाही दे सिखां दे संखेप जिक्र हन, पर ये पता नहीं चलता कि वह किसे खास समय की तरतीब विच हन कि सुते सिद्ध लिखे ते व्याख्या कीते गए हन। इन्हां विचों एक प्रसंग भाई कटारू दा इत्थे देंदे हाँ ते कुछ होर प्रसंग सिखां दी भगत माल दे अखरां विच ही अगे चल के देंगे। काबल दा एक सिख गुरु अर्जन देव जी दी शरण आया। ये उत्थे दे सूबे दे मातहत तड़वाई दा काम करदा सी। इसने अपनी कल्याण वास्ते बेनती की। गुरु जी ने फरमाया, नाम दा सिमरन करो, सत्संगत विच जाया करो, ते अपने कमाम विच ध्यानदार रहो, कदे घट वध ना तोलो। तड़वाई दा काम है पूरा तोल, पूरा तोल के दिल सुखी रहेगा, सुखी मन नाम जप के निर्मल होके कल्याण पाएगा। कटारू ने उपदेश धारण कर लिया ते लगा कमाई करन। कुछ चिर मगरों एक उसदे वैरी ने किसे चालाकी नाल उसनु पता लगे बिना वटे वटवा देते। ये वटे 5 पैसे पार तोल विच काट सन। कुछ दिन लंघे तद उस गुजे वैरी ने सूबे पास चुगली वट दिती कि इस कटारू दे वटे काट हन। कटारू बुलाया गया ते वटे भी पेश होए। कटारू समझ गया कि मेरे नाल चलाकी हुई है ते हुण बचाव नहीं, पर अपने दिल विच अपनी सच्चाई दा निश्चा सी ते गुरु चरना ते सिदक सी, सो उसने अरदास कीती कि सच्चे पातशाह मेरी पैच रखो। उधर सतगुरु जी सिखां दी सभा विच बैठे सन।
किसी सिख ने 5 पैसे चढ़ाए। लिखा है कि आप माया नू हाथ घट लाया करते सन, पर ये पैसे चुक के कदे उस हाथ ते कदे उस हाथ तरदे सन। फिर हाथ दोएं सम करके पैसे तर देते ते क्या पैज रही। सिखां दे पुछण ते दसिया के कटारू सिख सच तोलदा, किसे दोखी दे फरेब नाल घट वटे रखण दे अपराध विच फड़िया गया है, वो सच्चा है, उसकी पैज रखी। सूबे ने वटे पूरे निकलण ते तड़वाई कटारू दा दर्जा वधा दिता। कुछ चिर मगरों फिर दर्शनां नूं आया तां सारी साखी विदत हो गई। 37वां है कुड़माई संगत ते चंदू। इतिहास विच इक नाम आउंदा है चंदू शाह। जापदा है कि इह लाहौर दा वासी सी ते दिल्ली विच किसे सरकारी अहुदे ते सी। इस नूं दीवान करके बोलदे सन। दीवान चंदू शाह इह जात दा खत्री सी ते शरीण खत्री ढाई घर दा उच कुल वाला सी। राज इन्हां दिनां विच जहांगीर दा सी, अकबर मर चुका सी। चंदू दे घर इक काकी सी सदा कौर। 7 बरस दी होई तां मापिआं नूं कुड़माई दा फिकर होया। मुसलमान राज हो जाने ते हिंदुआं विच छोटे उमरे विआह दी चाल चल पई सी। तदों रिवाज सी कि अक्सर ब्राह्मण घर दे पुरोहित नूं वर घर टूंडण ते लाउंदे सन या नाल ना ही हुंदा सी। सो रिवाज मूजब चंदू ने अपने पुरोहित ब्राह्मण नूं इस कम ते लाया ते नाल घर दा नाई दित्ता ते कहा कि उच्ची कुल दा कोई अमीर खत्री घराणा टूंडना। ये वाकया समत 1661-62 बिक्रमी दा है। ये दिल्ली तो ढूंढ करदे लाहौर आए, योग वर ना लब्बा। लाहौर श्री गुरु जी दे घर दी सूह पई तद रामदासपुरे आए। वाहिगुरु दे कले अवतार अचुत गोत्री कही दे हन, पर जगत विहार मूजब आप खत्री से, गुरु होण करके पूजिए से, ऐश्वर्य प्रताप बड़ा सी, माया दा अंत नहीं सी। ब्राह्मण ने घर चंगा देख के श्री हरगोबिंद जी दे दर्शन कीते। परम सुंदर अरोग, छोटी उम्रे दाने, बहादुर, डील सडोल तक के तसली हो गई। ब्राह्मण ने श्री गुरु जी नूं विनय कर दिती कि आप दे साहिबजादे नूं असी चंदू शाह दी काकी लई वर थाप चले हाँ, दिल्ली जाके शगन भिजवा देंगे। पर जद इन्हां ने दिल्ली जाके चंदू नूं दस्या तां ओह माया विच अन्ना बोला अपनी जात दे अभिमान विच बोलिया, पंडित जी की कर आयो, चुबारे दी इट मोरी नूं ला आयो। फिर ओ फकीर, असी दीवान, तुसां कुछ नहीं विचारिया, पर की करां, जे कीता ना तां ना करां तां धी नूं दूजा पति दियां। इह गल दिल्ली दी संगत विच पहुंच गई। संगत नूं जद पूरा निश्चा हो गया कि वार्ता ठीक है तां संगत ने श्री गुरु जी नूं चिट्ठी लिखी जिस विच सारा हाल लिखिया। लिखतम सब दिल्ली की संगत सतगुर के सन्मुख अरदास, शाहे दीवान सुता को नाता भेजो अह तुम्हारे पास। आप अंकारी बनियो चुबारा तुम्हें कयो मोरी संकास। बिन शरदा ते मूर्ख बोलियो इत्यादक निंदा कर हास। हमको नह सुखाए तिस कहबो बस न चलियो लिखियो बृतंत। सुता न साकत की तुम लीजो इस संगत को अह मतंत। पठिये दूत तुरंत चल पहुँचे जब लो बिपर न तिलक कडंत। तब लो सुध देओ श्री सतगुर को जथा दुष्ट जाने भगवंत। ये चिट्ठी वाच के सतगुरा ने संगत दी आग्ञा सिर मथे ते तरी ते साक लैणो ना कर दिती। उस वेले दीवान विच भाई पारो दी वंश दा नारायण दास नामे डले दा गुरु का सिख सी। उसने अपनी काकी दा नाता सतगुरां दे पेश कीता। उस गुरमुख वंश दे गुरमुख सिख दी काकी दा नाता सारी संगत, संगत दे मुखिया ते गुरु जी ने प्रवान कर लिया। 38वां है सुलभी खां। सुलही खां पृथ्वी चंद दा एक मित्र सरकारी अहुदेदार सी। इस दा भतीजा सी सुलभी खां, ये भी सरकारी नौकर सी। इतिहास विच लिखिया है कि गुरु क्या वैरियां ने कोई जोड़ तोड़ बनावट ऐसा कीता
कि सुलभी खान नूं पंजाब जा के गुरु रामदास जी की सिक्खी नूं पृथ्वी चंद ते गुरु अर्जन देव जी विच वंडवा देवे। इस माड़े मनसूबे वाले अहुदेदार ने जद निरवैर गुरु ते वार करन लई जांदिआं व्यासा किनारे डेरा कीता तां उत्थे इक सैयद जिसका नाम हसन अली सी आ पहुंचा। ये कदे सुलभी खां पास नौकर रहा सी। जद नौकरी तो हटाया गया तो उसकी तनख्वाह 2 साल की बाकी सी। इसने आके हुण सुलभी खां तो तनख्वाह मंगी, उसने ना की। सैयद ने जिद की ते सुलभी ने उसनू गालियां दित्तियां। ये ना सहार के सैयद ने जोश विच आके तलवार चलाई तो सुलभी खां का सिर कट गया। सैयद फुरती नाल दरिया के झल विच गुम हो गया। लिखिया है कि जदों सुलभी खां दे आवण की खबर गुरु जी नूं पुजी सी तद भी आपने अपने सदा शीतल सुभाव विच फरमाया सी कि जो कुछ होना है सो हुक्म विच होना है। साडा ताण तकिया प्रभु है ते उसका हुक्म साढ़े सिर मथे ते है। ये शब्द तदों का उचारत दसीदा है। गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेंज छारी इस आगे को न टिके वेकारी गुरपूरे यह गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा जो सिमरै तिसकी गत होवै उधरै सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया ए पूरन हर तन पाया कौ नानक आप मिटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इस लिखत का अगला हिस्सा जी नूं अगे पढ़ के सरवण करावण की कोशिश करांगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।